हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे चैनल में स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। और आज मैं करवा रही हूँ अपना किचन टूर आप लोगों को। काफ़ी लोग बोल रहे थे अपना किचन टूर करवाना आप। वैसे तो मुझे काफ़ी टाइम पहले करवा देना चाहिए, लेकिन मैं किसी कारण से नहीं करवा पाई। मैं करवाऊंगी करवाऊंगी, एक वो रह ही गया काम। जब हम किसी काम को टालते हैं तो ऐसा हो ही जाता है। वैसे तो आप लोगों ने मेरी किचन हमेशा देखते ही हो। मैं लेडीज लोग हमेशा ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना किचन में ही बिताती है, और ये घर भी मैंने इसीलिए पसंद किया था। इसकी किचन मुझे पसंद आई थी, तो इस वजह से मुझे ये मैंने घर जब हम यहाँ पर आए थे। तो मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ अपने किचन को, तो दिखाती हूँ ड्रॉर में सामान किस तरीके से रखती हूँ। तो अभी मैंने कुछ अलग से क्लीनिंग नहीं कर रखी है, जैसा है वैसा ही मैं दिखा रही हूँ। एक होता है कि दिवाली पे अच्छे से क्लीनिंग करके या बाद पहले भी क्लीनिंग करके तब दिखाओ, तो मैंने वैसे नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपको जैसी है वैसी दिखा रही हूँ। तो ये है हमारा किचन का मेन गेट, तो इस गेट से चलते हैं अंदर की तरफ। तो लेफ्ट साइड की साथ में ही ये इस तरीके से वार्डरोब बने हुए हैं ऊपर की तरफ, और बीच में ये स्लैप है, और फिर नीचे भी इसी तरीके से ड्रॉर बने हुए हैं। और जो इस साइड की दीवार पे कुछ कोई भी ड्रॉर नहीं बना हुआ, ऊपर से लेके नीचे तक इस साइड पे नहीं बना हुआ। मैं शुरू करती हूँ सबसे ऊपर से। तो ये मेरा जो मिक्सी का जो डब्बा होता है, कार्टन होता है, उस वो रखा हुआ है। इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ऊपर एक बाल्टी है एक्स्ट्रा, जो बाल्टी में लेके आई थी वही, और तो थोड़ा बहुत सामान और है। एक ही गैस रखी है, और ऊपर एक और कार्टून रखा है, उसमें भी एक्स्ट्रा बर्तन रखे हुए हैं। और ये गैस जो है वो बहुत पुराने जमाने की, जो बहुत भारी गैस है, ये हमारी नहीं है, ये नीचे आंटी की है, तो गैस रखी हुई है। तो मैं दिखाती हूँ सबसे पहले वाले इस वाले ड्रॉर में मैं क्या क्या रखती हूँ। तो इसमें मैं रखती हूँ अपनी सारी दालें, जितनी भी मैं दाल है वो ये सब रखती हूँ यहाँ पर। जैसे छोले हैं, राजमा है, काले चने हैं, तो इस तरीके से ये सब मैं रखती हूँ। तो पीछे की तरफ भी डब्बे रखे हैं, और एक के ऊपर एक भी इस तरीके से रखे हैं। फिर मैं दिखाती हूँ इससे नीचे वाला ड्रॉर, इसको मैं बंद कर देती हूँ और ये वाला दिखाती हूँ। तो ये वाला ना खुलता नहीं है, मतलब ऐसे खुला हुआ नहीं रहता, तो यहाँ से ये थोड़ा सा स्टैंड इसका खराब हो रहा है। इसमें भी मैं इसी तरीके से मतलब और जो दालें जो बच जाती है ऊपर नहीं आती, वो इसमें इसमें रखती हूँ। ये नीचे बूरा का डब्बा, ऊपर इसमें नमक का डब्बा रखा है, यहाँ पोहे रखे हैं ये, और वो खिचड़ी वाला मतलब कि वो खीर वाले चावल रखे हैं, और अचार का डब्बा है, जो डेली जल यूज होते हैं, चीनी चाय पत्ती है, तेल रखा है। इस तरीके से इसमें सामान मैंने रख रखा है। और उसके बाद ये साइड में एक लंबा सा ड्रॉर है, तो उसको भी दिखाती हूँ मैं आपको। और सबसे ऊपर वाले में जितने भी मसाले हैं, एक्स्ट्रा मसाले वो रखे हैं, मैं इस तरीके से टोकरी में रख देती हूँ जितने भी एक्स्ट्रा हैं। जो मसाले हैं सब एक्स्ट्रा वो वहां पर रखे हैं। ये जितने भी इसमें मसाले दिखेंगे आपको, ये भी मसाले वाला ड्रॉर है, और इससे नीचे भी ये मसालदानी है, और सूखी लाल मिर्ची वाला डब्बा है इस साइड, ये वाला तेज पत्ता रखा है। इस तरीके से सब मसाले इसमें रखे हुए हैं। और जैसे ये डब्बे होते हैं मेरे पास एक्स्ट्रा, जो ये डब्बे आते हैं मतलब कि, तो इस ये भी मैं ना धो धा के इनको अच्छे से यूज कर लेती हूँ। और ये मेरी चाय पत्ती है, एक्स्ट्रा घी का डब्बा रखा हुआ है, इस तरीके से मैंने सामान रख रखा है। तो ये वाला ड्रॉर भी मैंने दिखा दिया आपको। अब चलते हैं इस साइड, जो ये वाले ड्रॉर हैं इनमें दिखाती हूँ।
तो ये भी एक जो सबसे बड़ा वाला है उसको मैं दिखाती हूँ। इसमें ज्यादातर मेरे शीशे के बर्तन रहते हैं, तो इसमें भी ये शीशे के बर्तन रखे हुए हैं सारे के सारे। जैसे कि ये दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें ये एक्स्ट्रा मतलब जितने भी एक्स्ट्रा सामान होते हैं मेरे जो यूज नहीं किए हुए, ये बन मेरे अभी तक सब नए हैं। ये क्रोक मतलब कि जैसे नमकीन बिस्किट के लिए, फूड्स के लिए इस तरीके से, और ये पूरा एक सेट है, ग्लास भी जग भी इस तरीके से। और इधर ये पीछे मैंने कप रखे हैं, कप तो मेरे घर में यूज होते नहीं, कोई आता है तभी यूज होते हैं। और ये मेरे शीशे के बाउल्स रखे हैं कुछ, ये ढक्कन वाले बाउल्स हैं, ये सब है। इधर थोड़ा बहुत नाश्ते का सामान रखा है, बिस्किट का ही डब्बा बना रखा है, बिस्किट का ही डब्बा बना रखा है मैंने, कुछ ये थोड़े से ऊपर रखे हैं। और ये कुल्फी का एक डब्बा रखा है कि कुल्फी बनाने के लिए, ये ढोकले का है। और एक ये ऐसे ग्लास रखा है ढक्कन वाला, तो इसमें ये सब है। आती हूँ ये वाला साइड का, इसमें भी जैसे शीशे के अलग से ग्लास है वो सब रखे हुए हैं, जैसे कोई आए गेस्ट तो उनके सबके लिए रख रखे। मैं डेली यूज नहीं करती हूँ ये सब चीजें। और जो मैं यूज करती हूँ ये सब गिलास है, कप है, वो ये सब है। और एक ये रखा इधर जिसमें नमकीन बिस्किट मैं रखती हूँ। और ये मैं यूज करती हूँ वो सब गिलास रखे हुए यहाँ पर, जो कप है वो। तो ऊपर वाले जितने भी ड्रॉर हैं वो सब मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो अब चलते हैं बीच में। तो बीच में यहाँ पर रखी हुई है मेरी मिक्सी, और इस टोकरी में कुछ दवाइयाँ रखी हैं, और ये है मेरा चम्मच का स्टैंड, और ये है मेरा चम्मच का स्टैंड। इसी में चक्कू भी रखती हूँ, पेचकस भी है, और ये कैची भी रखती हूँ इसी में। ये जो ये डब्बा वो है जिसमें जैसे मैं पूरी पूरी तलती हूँ, पूरी बनाती हूँ तो तेल बच जाता है एक्स्ट्रा, तो इस डब्बे में वो रखती हूँ। और ये मेरे रिफाइंड तेल की बोतल है जो कि अभी इस वक्त खाली है। और यहाँ पर मैंने फ्रूट्स रख रखे हैं, ये मैंने इस तरीके से ढक के रख रखे हैं यहाँ पर। और एक स्पीकर जरूर मिलेगा क्योंकि मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है, तो इसमें बहुत मतलब कि पुराने पुराने गाने सुनती हूँ मैं, तो वो है। इसीलिए मैं वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ बाद में, क्योंकि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ, बर्तन वर्तन धोती रहती हूँ, तो मैं म्यूजिक सुनती रहती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ स्लैब के ऊपर कम से कम मैं सामान रखूँ। और फिर इधर की तरफ ये एक गुड़ का डब्बा रखा हुआ है कि मैं गुड़ बहुत मतलब कि खाने के साथ गुड़ लेती हूँ, मुझे आदत है ये। और एक ये डब्बा है, इसमें भी पूरा खजाना है। खजाने में दिखाती हूँ मैं क्या क्या है खजाने में। ये सब नाश्ता जो एक्स्ट्रा दालें ये सब आती है, तो वो सब मैंने इसमें भर रखा है पूरे में। और ये कुछ मेरी टोकरियां रखी हैं यहाँ पर, और ये रात को मैंने बर्तन जो धो के रखे थे वही सब, एकदम किचन जो है मेरी बिल्कुल साफ है। और यहाँ पर मेरी कुछ ये दवाइयाँ रखी हैं, और ये जिसमें जैसे कि खुशबू के लिए किचन में मैंने स्प्रे कर देती हूँ मैं। और ये एक बड़ी सी खिड़की है जिसमें से अच्छी सी हवा आती रहती है, और इस खिड़की का एक शीशा मतलब यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये टूटा हुआ है, क्योंकि एक बार मैंने खोल दिया था इसको और हवा एकदम आई। जैसे मैंने खोला इसको, वैसे हम शीशे वाला खोलते ही हूँ मैं, जैसे मैंने इसको खोला था तो तभी की तभी मतलब कि इधर हवा आई और वो टूट गया शीशा। तो इसमें भी देखते हैं कुछ कार्टून लगाती हूँ, नहीं तो पूरी धूल मिट्टी आती है। ये दो जो इधर का ये है बिल्कुल साफ है जाली, और ये वाली जाली थोड़ी गंदी है। और इधर ये एडजस्ट फैन लगा हुआ है, और ये मेरे बर्तन का टोकरा है, ये मेरा
इधर की साइड लगा हुआ है, साइड में लगा हुआ है आरओ। और ये जो एक डब्बा आपको दिख रहा है, तो इसमें अभी कभी हमने कुछ खाना वाना मंगवाया तो ये डब्बे में फेंकती नहीं हूँ, यूज कर लेती हूँ। मतलब कि इसमें रखा है, मतलब कुछ जूने रखे हैं जिससे मैं पूजा वूजा के बर्तन वर्तन धोती हूँ, वो सब है। और ये एक्स्ट्रा दो बोतलें रखी हैं जिसमें फिर मतलब कि सफाई में यूज होती है ये। तो इधर ये मेरा प्यूरिट लगा हुआ है। और चलिए फिर मैं दिखाती हूँ नीचे वाले ड्रॉर आपको। तो नीचे वाले ड्रॉर्स मैं दिखाती हूँ, यहाँ से स्टार्ट से ही जैसे हम एंट्री करते हैं तब उल्टे हाथ की तरफ जो पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये वाला, और इसमें इस तरीके से मैं ये बर्तन रखती हूँ। जो ग्लास है मेरे बर्तन, मेरे पास बहुत मतलब जो भी है आपके सामने ही है। ये चाय का फ्राई पैन है, दूध गर्म करने वाला है, और कुछ इस तरीके से ये भिगोने जिसको बोलते हैं वो सब है, छोटे से बड़े थे ये सब रखा हुआ है। और फिर दिखाती हूँ इसके नीचे वाला, इसमें सब रखे हैं बड़े बड़े बर्तन, जैसे आटा गूंदने वाला, कढ़ाई वढ़ाई ये सब रखे हुए हैं इसके नीचे। ये कढ़ाई है, और ये दो वो है मेरे मतलब कि इसमें रोटियां रखते हैं, कैसरोल जिसको बोलते हैं वो रखे हैं इसमें। तो इसको भी करते हैं बंद। और इस साइड दो है ये, और इधर ये फिर तीन रैक है। तो सबसे ऊपर वाला खोलती हूँ मैं। तो इसमें मैंने इस तरीके से सामान, चकला बेलन ये सब रखा है, ये सिल्वर पेपर का डब्बा रखा है, और ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने ये नैपकिन रखे हैं धो के, यहीं पर मैं रखती हूँ। और ये मेरी पूरी बेलने वाली जो मशीन रखी है, और ये गुजिया बनाने वाली, ये मामदस्ता रखा है स्टील वाला, इस तरीके से इसमें ये सामान रखती हूँ मैं। और इसके नीचे में जितनी भी प्लेट्स हैं वो सब रखती हूँ, छोटी इस साइड और बड़ी एक साइड। और ये कुछ मैंने ट्रे भी इसी में रख रखी है, दो ट्रे जो है वो रख रखी है, और कुछ ये वाली। तो अब चलते हैं इससे नीचे वाले में। तो इसमें रख रखे हैं मैंने आलू प्याज। तो इस बार जो ये प्याज रखे हैं मैंने, तो मैं मतलब साफ करके नहीं रखे, ऐसे के ऐसे ही रख रखे हैं। और नीचे मैंने न्यूज़पेपर बिछा रखा है कि ये मतलब गंदगी अंदर फैले ना इसमें, इस तरीके से। और बीच में मैंने ये इस तरह की गत्ता लगा रखा है कि इधर मिक्स ना हो जाए आलू प्याज में। और फिर चलते हैं इधर। तो इधर इसका तो बहुत बुरा हाल है, मैं दिखाती हूँ फिर भी आप लोगों को। इसमें मैं जितनी भी एक्स्ट्रा मेरी पन्नियाँ होती हैं, जितने भी हम जैसे सब्जियाँ लेके आते हैं वो, तो सब मैं इसको धूप, तो सबको धूप लगा के मैं इस तरीके से यहाँ पर रख देती हूँ, मतलब फेंक देती हूँ। रखती तो क्या हूँ, मतलब ऑर्गेनाइज करके तो मैंने नहीं रखा। और अब भी आप लोगों को बहुत सारी पन्नियाँ नजर आ रही होंगी, क्योंकि मेरे घर में अभी सफाई वाली है नहीं, नहीं तो जब वो होती है तो यहाँ पे बिल्कुल आपको पन्नी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो हर रोज कुछ ना कुछ ऐसे लेके जाते हैं, तो पन्नियाँ वो यूज कर लेती है। तो इस तरीके से एक अचार का डब्बा रखा हुआ है मैंने यहाँ पर। तो कुछ लोग मुझे बोलेंगे इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, हाँ मुझे भी मालूम है नहीं रखना चाहिए। वैसे तो ये सिलेंडर के लिए बना हुआ है, तो सिलेंडर तो हम यहाँ पर यूज नहीं करते, यहाँ पर जो है ये पाइप कनेक्शन है तो गैस का, वैसे ये सिलेंडर के लिए बना हुआ है। या बड़े बड़े जो ड्रम होते हैं ना वो भी इसमें रख सकते हैं। जो ये मेरे ग्रीन वाला है वो इसमें नहीं आता, नहीं तो मैं उसको भी रख सकती हूँ, जो ऊपर रखा है ग्रीन वाला वो इसमें आता नहीं है। तो इसको भी कर देते हैं बंद। फिर चलते हैं इसके साइड वाले में। तो इसमें मैंने रख रखी है कटोरियाँ, एक साइड ये कटोरी लगा रखी है मैंने, और ये थोड़ी और जो और कटोरियाँ वो, इधर चम्मच है जिससे हम खाना बनाते हैं वो बड़ी बड़ी चम्मच जो होती है, इधर ये मेरा अदरक कूटने वाला, इधर एक और छलनी है, कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा है ये सब।
ये जो हर डब्बे में आती है ना ये वाली चमचे, वो सब रखी है। तो इसको भी करते हैं बंद। तो चलते हैं इसके नीचे वाले में। तो इसके नीचे वाले में रखा है ये आटे वाला डब्बा, ये मेरा आटे का डब्बा है, और कुछ ये अंदर और सामान एक्स्ट्रा रखा हुआ है साइड में ही, जो प्लास्टिक के ये प्लेटें हैं, ग्लास हैं, ये सब जो मैं नौमी वाले दिन बच्चों को इनमें खाना देती हूँ वो सब। तो चलते हैं इस साइड में। इधर मैं ये एक टांग के रखती हूँ कि हाथ वाथ पूछने के लिए कपड़ा, और इसमें भी मेरा एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो सब रखा रहता है, जैसे कि एक्स्ट्रा साबुन, डिटॉल, ये सब लाके, चीनी ये बड़े बड़े डब्बे हैं, और चावल के इस तरीके से, और जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो मैं इधर रख देती हूँ। जैसे अभी वो इजी की बोतल है तो अभी यूज तो होगी नहीं सब इजी है, तो मैंने यहीं पर रख दी है सब। ये एक और एक्स्ट्रा मेरा मसालदानी का वो है डब्बा जो आपको दिख रहा होगा अंदर, और जो ये कपड़ा आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा वो है, मतलब इन डब्बों को कभी पूछने के काम आता है मेरे, तो वो सब रखा है। तो चलिए इसको भी कर देते हैं बंद। ये थोड़ा इस तरीके से खुलता है। फिर चलते हैं इस साइड में जहाँ मैं बर्तन धोती हूँ उसके नीचे। तो इसमें मैं प्लास्टिक के जितना भी मेरा सामान होता है, वो जार होते हैं, चॉपर ऊपर, वो सब रखती हूँ। ये मिक्सी का जो बड़ा वाला जार है, जो बीच वाला, ये एक इसमें भी रखा है ये वाला, और एक सबसे छोटे वाला ये रखा है इसमें, ये भी चॉपर है मेरा, और ये वाला भी, इससे भी मिनी चॉपर इसको बोलते हैं, ये वंडर शेफ वाला चॉपर है मेरा, एक दो बार यूज़ किया मैंने, ज़्यादा नहीं किया। और ये मैंने मतलब कि मैनेजमेंट उसके लिए कि सामान मतलब कि क्या बोलते हैं, भूल गई। और यहाँ पर भी मतलब कि कुछ ऐसे ट्रे रखी हैं एक्स्ट्रा, कुछ प्लेट व्लेट रखी हैं, जो भी प्लास्टिक के डब्बे होते हैं वो सब मैंने यहाँ पर रख रखे हैं। तो चलते हैं इससे नीचे वाले में, और इससे नीचे वाले का बहुत बुरा हाल है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये पानी की बहुत सारी बोतलें रखी है, एक लंच बॉक्स रखा है, और ये मेरा टोस्टर का डब्बा रखा है इस तरीके से, और जो ये एक्स्ट्रा जो आती है ना डब्बे डब्बे, तो वो सब मैं इसी में रख देती हूँ। तो ये भी मैंने दिखा दिया है आप लोगों को, और ये एक साइड में है, ये बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है, देख सकते हो। इसको मैं कमी खोलती हूँ, जब सफाई के टाइम पे खोलती हूँ, मुझे लगता है कभी छिपक ली ना हो, इस वजह से थोड़ा डर लगता है मुझे। तो कैसे लगे मेरी किचन तो ज़रूर बताना, और मैंने ठीक से सामान रखा है कि नहीं रखा वो भी ज़रूर बताना, कुछ चेंज करना हो तो भी बताना आपको। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बेल आइकन के साथ में। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को, तब तक आप सभी को बाय बाय।